अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के आपके शरीर का क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में स्पेस सूट, अंतरिक्ष में जाते वक्त पहनने लायक पोशाक के बिना आपके शरीर का क्या होगा? क्या आप जिंदा बच पाएंगे? आपने स्पेस सूट के बिना शरीर को अंतरिक्ष में होने वाले असर को कोई हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, लेकिन हकीकत में यह बहुत ही पृथ्वी के वातावरण के बाहर का अंतरिक्ष बिना ऑक्सीजन का एक क्षेत्र है, जहां आप सांस नहीं ले सकते और वहां हवा का दबाव भी नहीं होता। वहां का तापमान या तो जमा देने वाला होगा या उबल देने वाला होगा। यह चीज़ निर्भर करती है कि आप सूरज के सामने हैं या नहीं। वहां पर भी मात्रा में सितारों से निकलती हुई घातक पराबैंगनी विकिरण की धारा होती है। ऐसी जगह पर अगर आपने आपका स्पेस सूट न पहना हो या किसी कारण से वह निकल जाए, तो आपका जो हाल होगा उसके बारे में आप सोचने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप अंतरिक्ष यान से किसी कारण बाहर निकल जाए और आपने उस वक्त स्पेस सूट नहीं पहना है, तो आप अचानक ही महसूस करेंगे कि आपके फेफड़ों कि सांसी हवा बाहर की ओर निकल रही है। अंतरिक्ष में कोई दबाव नहीं होता है, इसलिए आपके शरीर के अंदर की हवा आपके फेफड़े से बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगी। यह आपके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। ऐसे चरम वातावरण में आपके शरीर को आपके खून में रहता हुआ सारा ऑक्सीजन पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए 15 सेकेंड जितना समय लगेगा। अगर ऑक्सीजन रहित रक्त आपके मस्तिष्क तक पहुंच गया, तब आपको मौत ही जाएगी। आपके शरीर के कुछ अंग ऑक्सीजन की इतनी गंभीर कमी के कारण अपने शारीरिक कार्यों पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं। ऐसे वातावरण में आपकी आंतों में हवा भर जाएगी और उनमें रहा सारा कचरा तुरंत ही बाहर की ओर और निकल जाएगा। यह कैसे लगेगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। दबाव जितना कम होगा, प्रवाहित का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होगा, इसलिए पानी पर्वत के तल से ज़्यादा उसकी चोटी पर जल्दी उबलता है। अंतरिक्ष में कोई दबाव नहीं होता है, तो आपके शरीर के तरल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही तेज़ी से कम हो सकता है। तब आपको शरीर के अंदर का सारा तरल उबलना शुरू हो जाएगा। उबलता हुआ खून शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में रक्त के प्रवाह को ब्लॉक कर सकता है। सिर्फ इतना ही आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। इस उबलते हुए खून में रहा कोई बुलबुला अगर आपके दिल तक चला गया, तो आपको दिल का दौरा हो सकता है। अगर आपके रक्त प्रवाह में तरल ने उबलना शुरू कर दिया है, तो वह वायु स्वरूप में बदलना शुरू हो जाएगा और आपकी त्वचा सूजनी शुरू हो जाएगी। नासा ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसे हालात के दौरान आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं होगा और ना ही आपकी आंखें आपका सर से बाहर निकल आएगी, जैसा कि कई हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन यह दर्दनाक जरूर होगा। भले ही आप आकाश में बेहोश होकर फ्लोट कर रहे हो, लेकिन वहाँ अभी आपकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई होंगी, क्योंकि वहाँ पर सूरज की वजह से तापमान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा, जो कि तुरंत ही आपको जला देने के लिए काफ़ी होगा। वहाँ पर सूरज के अलावा अन्य दूर के तारों से आती हुई विकिरण की बारिश चल रही होगी। हानिकारक यूवी प्रकाश, गामा किरणें और एक्सरे आपकी कोशिकाओं नुकसान पहुंचाएगी। अगर इनसे आप बच भी जाए, तो बाद में इससे होने वाले कैंसर से मर सकते हैं। अगर आप सूरज के सामने की ओर नहीं हैं, तो वहां छाया में भी तापमान -440 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन यहां आप तुरंत नहीं मरेंगे। आप भले ही ठंडे वातावरण में हैं, लेकिन आपके शरीर का तापमान अभी भी गर्म होगा, यानी आपका पूरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होगा और शायद तब आपको बचने का कोई उपाय नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।